राजस्थान के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, किसानों का कर्ज माफ होगा, महिलाओं पर आने वाला खर्च सरकार उठाएगी। राजस्थान में सभी का मुफ्त इलाज कराने का वादा, राजस्थान में सरकार बनने पर कांग्रेस राइट टू हेल्थ प्रस्ताव लाएगी। घोषणा पत्र में युवाओं को भी लुभाने की कोशिश, पढ़े लिखे नौजवानों को ₹3,000 महीना भत्ता देने का ऐलान। राजस्थान में नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहे युवाओं को बस में किराया नहीं देना होगा, एडमिट कार्ड दिखाने पर यात्रा मुफ्त। घोषणा पत्र में बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया, कृषि के उपकरणों को GST से अलग करने की भी सिफारिश की जाएगी। राजस्थान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को राहुल मॉडल पर होने का दावा किया, जनता के सुझावों के बाद घोषणा पत्र को तैयार किया गया। वसुंधरा सरकार ने जिन योजनाओं को बंद किया है सभी को फिर से चालू किया जाएगा, घोषणा पत्र में ऐलान। करतारपुर कॉरिडोर नींव कार्यक्रम में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी दिखने से बेपर्दा हुआ पाक का दोगलापन, पाक आर्मी चीफ बाजवा के बाद सिद्धू से भी मिला गोपाल सिंह चावला। करतारपुर में खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला का बयान, कहा खालिस्तान बनाने का पक्षधर हूं, कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान की सरकारों की तारीफ की। करतारपुर में आतंकी चावला ने की अमन और शांति के राग सुनाया, उसने कहा मैं भी भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत से गले लगना चाहता हूं। शिलान्यास समारोह में भारत लौटी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर, कहा मैंने पाक मीडिया को स्पष्ट बताया कश्मीर भारत का अंग है, कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने कॉरिडोर शिलान्यास के मौके पर इमरान खान द्वारा कश्मीर मुद्दा छेड़ने पर अफसोस जताया, कहा इमरान ने पवित्र मौके पर राजनीति की, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। नवजोत सिंह सिद्धू के पाक दौरे पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का तंज, कहा पाकिस्तान और इमरान के साथ दोस्ती का रिश्ता कोई लाफ्टर चैलेंज नहीं है। अकाली दल का इमरान की कश्मीरी सियासत पर निशाना, कहा इमरान ने आतंकवाद को भूल उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारतीय प्रतिनिधिमंडल से ज्यादा अहमियत सिद्धू को दी। कांग्रेस ने नवजोत सिद्धू की पाकिस्तान यात्रा और इमरान की तारीफ वाले बयान पर पल्ला झाड़ा, कहा पाकिस्तान में सिद्धू ने अपनी निजी राय रखी। एनसीपी के माजिद मेमन ने कहा सरकार बेवजह सिद्धू के पीछे पड़ी है, वो भी भारतीय है, अमन चाहते हैं, कोशिश की सराहना की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में दो आतंकियों का एनकाउंटर, अवंतीपुरा में सेना ने हिजबुल के आतंकी को ढेर किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। कश्मीर में बीते 45 दिनों में लश्कर के टॉप 5 कमांडर मारे जा चुके हैं, वहीं कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में सेना ने 21 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का बयान, कश्मीर में आतंकवादियों की लीडरशिप खत्म करना है लक्ष्य, हिटलिस्ट के हिसाब से सेना कर रही है काम। जनरल बिपिन रावत का खुलासा, पाकिस्तान ने पीओके में कश्मीरियों की पहचान मिटाई, पीओके के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में पाक ने चतुराई से बसाए बाहरी लोग। दिल्ली में किसानों के दो दिवसीय प्रदर्शन को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, कर्ज माफी और फसलों के MSP को लेकर किसान मांग कर रहे हैं। दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल, कल 30 नवंबर को कई बड़े नेताओं के भी प्रदर्शन में पहुंचने की उम्मीद। हजारों किसानों के मार्च से दिल्ली की थमी रफ्तार, दिल्ली गुरुग्राम रूट पर किसानों का 26 किलोमीटर पैदल मार्च का प्लान, 200 से ज्यादा किसान संगठन जुटे। रामलीला मैदान में आज शाम को किसानों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, एक शाम किसानों के नाम कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन के लिए पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस, 1,000 से ज्यादा हुई संख्या तो प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। कल 30 नवंबर को किसानों का संसद के घेराव का भी प्लान है, आज रात रामलीला मैदान में रुकने के बाद किसान कल सुबह संसद की ओर मार्च करेंगे। कोलकाता की सड़कों पर भी कल करीब 40,000 किसान अपनी मांगों को लेकर मार्च निकालेंगे, किसानों का लेफ्ट समर्थित मार्च सिंगूर पहुंच चुका है। G20 समिट के लिए आज अर्जेंटीना पहुंचे पीएम मोदी, 4 दिन के दौरे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे।